Dear students, now we are going to the second part of the chapter, Glimpses of India, and the second part is Coorg. Let us see. Coorg is coffee country famous for its rainforests and spices. यहाँ narrator बताता है Coorg जो है coffee country है, यानी वहाँ coffee काफ़ी मात्रा में पैदा होती है और famous है वो rainforest, यानी कि वर्षा ऋतु के जंगलों के और मसालों के लिए. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven. यहाँ narrator बताता है कि मैसूर और coastal town जो इस समुद्र के किनारे का जो town यानी मैंगलोर है उसके बीच में एक स्वर्ग से स्वर्ग की तरह सुंदर एक जगह है. That must have drifted from the kingdom of God. और वो बताता है कि जरूर वह स्वर्ग के राज्य से यहाँ पर आ गई होगी छिटक कर. Drifted का मतलब होता है छट करके, टूट करके आ जाना. द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन. ये वो बताता है कि रोलिंग हिल्स यानी जो यहाँ पहाड़ियाँ हैं, जो नीची नीची ऊंची पहाड़ियों के बीच में जो लोग रहते हैं वो मार्शियल मैन हैं, यानी कि लड़ाके लोग हैं जो युद्धों में अपनी वीरता के लिए फेमस थे. ब्यूटिफुल वुमेन एंड बोल्ड वाइल्ड क्रिएचर्स, यानी सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर. कूर्ग आर कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कर्नाटका का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो कूर्ग या कोडागु है. इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. यहाँ पर जो है हमेशा साल भर हरे भरे वर्षा ऋतु वाले वन पाए जाते हैं. स्पाइसेस मसाले हैं एंड कॉफी प्लांटेशन और काफी के बागान है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी इस जिले में 30% जो जमीन है वो रेन फॉरेस्ट से घिरी हुई है जो साल भर हमेशा हरे भरे बने रहते हैं. ड्यूरिंग द मानसूनस, मानसून यानी वर्षा के दिनों में, इट पोर्स एनफ, यहाँ काफी बारिश होती है. पोर्स एनफ का मतलब पर्याप्त बारिश होती, भारी बारिश होती है. टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यानी कि वर्षा के ऋतु में यहाँ पर लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर, और खुशियों का जो मौसम है वो सेप्टेम्बर से शुरू होता है. कमेंसेस का मतलब स्टार्ट से है, सेप्टेम्बर से शुरू होता है. एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और वो मार्च तक चलता है, यानी फेस्टिवल जो है यहाँ पर सितंबर से शुरू होते हैं और मार्च तक चलते हैं. द वेदर इज परफेक्ट, यहाँ मौसम इस समय में बहुत बढ़िया रहता है. विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है जिससे मौसम और सुहाना हो जाता है. देयर द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, यहाँ की जो हवा है उसमें भीनी भीनी काफ़ी की महक आती है. इनविगोरेटिंग का मतलब हो गया मतलब उत्तेजित करने वाली, उत्साहित करने वाली काफ़ी की महक जो है यहाँ की हवा में पाई जाती है, यानी कि महसूस की जा सकती है. कॉफ़ी इस्टेट्स, काफ़ी के जो बागान हैं. एंड कॉलोनियल बंगलोज, यानी अंग्रेजों के समय के बंगलो जो हैं, यानी बड़े बड़े बंगले, स्टैंड टक्ड अंडर ट्रीज ट्री कैनोपीज इन प्राइम कंसर्न्स, यानी यहाँ इस जिले की जो कोडागु की जो मुख्य जगहें हैं वहाँ पर जो है अंग्रेजों के जमाने के बंगले और कॉफी स्टेट्स देखे जा सकते हैं. और वो जो है टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज का मतलब यानी वर्षा ऋतु के जो वृक्ष हैं वो बड़े बड़े घने और उन्हीं के नीचे जो है बंगले बनाए गए थे. द फार्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक और डिसेंट. नरेटर यहाँ बताता है कि जो बहुत खूंखार लड़ाके फार्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कूर्ग, यानी एकदम स्वतंत्रता के लिए जो जी जान देने वाले जो लोग हैं कूर्ग के, उनका ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हैं, यानी ग्रीस से आए हैं या अरब से आए हैं. एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की सेना का एक भाग जो है मूव्ड साउथ, वो दक्षिण की तरफ आया, अलोंग द कोस्ट, समुद्र के किनारे किनारे, एंड सेटल्ड हेयर, और वहाँ पर वो बस गए.
when return became impractical, जब उनका वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो गया तो वो वहीं पर बस गए. These people married amongst the locals, और इन लोगों ने वहाँ लोकल महिलाओं से जो है शादी कर ली. And their culture is apparent in the martial traditions, और उनकी जो संस्कृति है यानी उनके जो रीति रिवाज हैं वो सब आज भी उनके रीति रिवाजों में देखे जा सकते हैं. यानी कि जो वहाँ के लोकल महिलाएं थीं और जो ग्रीस से आए हुए लोग थे उन दोनों के रीति रिवाजों का एक मिश्रण सा देखा जा सकता है आज भी. मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, यानी शादी विवाह में ये सारे संस्कार देखे जा सकते हैं. विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और ये जो है मतलब है, ये जो रीति रिवाज हैं वो हिंदू मेन स्ट्रीम से यानी हिंदुओं के रीति रिवाजों से एकदम अलग हैं. द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुडाबूज नोन एज कुपिया. अरब से आए हुए मतलब जो कहानी दूसरी है जिससे ये पता चलता है कि ये लोग अरब से आए थे, उसके सपोर्ट के लिए जो चीज यहाँ दिखाई देती है वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट जो है लोकल्स द्वारा पहना जाता है जिस पर कढ़ाई होती थी, मतलब कढ़ाई रहती है, वेस्ट बेल्ट लगा रहता है उसमें यानी कमर पर एक बेल्ट बांधने के लिए. और वो जो कुडाबूज लोग पहनते हैं जिसका नाम कुपिया है यानी वो जो ड्रेस है उसको कुपिया बोलते हैं. इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स, और ये जो ड्रेस है वो कुफिया यानी अरब लोगों द्वारा जो ये कुफिया ड्रेस पहनी जाती है और कुर्द लोग पहनते हैं उससे मिलती जुलती है और उसका नाम भी मिलता जुलता है. इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग अरब से आए थे. कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कुर्गी घर जो हैं यानी कुर्गी लोगों के घर जो हैं वहाँ पर मेहमान नवाजी का एक बहुत अच्छी परंपरा है. ट्रेडिशन का मतलब परंपरा से और हॉस्पिटैलिटी का मतलब मेहमान नवाजी से, यानी मेहमानों का खूब आदर सत्कार किया जाता है. एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स, और अक्सर जो है अपने पुराने जमाने के मतलब जो अपने पूर्वजों की वीरता और बहादुरी की कहानियां जो है अक्सर वो याद करते रहते हैं. वैलर का मतलब बहादुरी से है, रिकाउंट का मतलब याद करने से है, न्यूमरस मतलब बहुत सारी कहानियां जो है, टेल्स मीन्स कहानियां, तो यानी बहुत सारी वीरता और बहादुरी की जो कहानियां हैं अक्सर ये कुर्गी लोग अपने उनके जो पूर्वज थे फादर और सन्स उनको याद करके खुश होते हैं. द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और जैसा कि बच्चों इंडियन आर्मी में भी जो है कुर्ग रेजिमेंट है जो अपने साजो सामान के लिए जानी जाती है और वीरता के लिए. एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का जो भारतीय सेना के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी, वो एक कुर्गी थे यानी कुर्ग इसी एरिया से वो गए थे, सेना में शामिल हुए और सेना के प्रमुख का पद उनको मिला. इवन नाउ कुडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, आज भी जो है कुडाबूज जो है भारत में सिर्फ कुडाबूज जो है यानी कुर्ग के लोगों को ये परमिशन है कि वो जो है फायर आर्म्स यानी कि बंदूक या पिस्टल रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के. ये जो है सुविधा उनको उनके लड़ाके आदतों और उनकी परंपराओं के लिए मिली हुई है. द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कावेरी नदी का जो पानी है वो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं और जंगल हैं वहाँ से आता है. महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महाशीर जो एक बहुत बड़ी सी ताजे पानी की मछली है. अराउंड इन दीज वाटर्स जो यहाँ के पानी में पाई जाती है. किंग फिशर्स डाइव फॉर दियर कैच, और जो किंग फिशर हैं वो जो किंग फिशर जो चिड़िया होती है वो अपनी शिकार के लिए जो है पानी में जंप करती यानी कि छलांग लगाती है. वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स
जबकि स्क्विरल्स यानी गिलहरीज और लंगूर्स यानी एक टाइप के बंदर जो हैं ड्रॉप प्रैक्टिकली पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। ये नारेटर यहाँ पर बता रहा है कि लंगूर्स और जो गिलहरियाँ हैं वो थोड़े थोड़े खाए हुए फलों को पानी में फेंकते हैं और वो जो फेंकने के बाद जो लहरें उठती हैं उनका मजा लेते हैं। पार्शियली का मतलब होता है आधा खाया हुआ, और यहाँ पर मिसचीफ का मतलब शरारत है, यानी कि शरारत के तौर पर वो आधे खाए हुए फल पानी में फेंकते हैं और उनसे जो लहरें उठती हैं उनका इंजॉयमेंट करते हैं। स्प्लैश का मतलब छपाक से जो आवाज़ होती है पानी में फेंकने के बाद, एंड द रिपल इफेक्ट और जो लहरें बनती हैं यानी वेव्स बनती हैं कुछ भी फेंकने के बाद साफ पानी में, उनका मजा लेते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथड, हाथियों को नहलाया जाना बहुत पसंद है, यानी महावत लोग जब उनको नदी में नहलाते हैं तो बहुत मजा आता है। एंड स्क्रब्ड और उनको रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं, स्क्रबर होता है जैसे कि बर्तन मानने के लिए जो स्क्रबर होता है रगड़ने के लिए, तो उसी से जो है उनको हाथियों को भी नहलाया जाता है रगड़ कर। इन द रिवर बाय दियर महावत, नदियों में महावत हाथियों को नहलाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। यहाँ नरेटर बताता है कि कोई भी आराम पसंद आदमी भी जो है वह बहुत ही एनर्जेटिक और एडवेंचरस हो जाता है जब वो यहाँ की नदियों में राफ्टिंग करता है, यानी उसके अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार हो जाता है। कैनोइंग यहाँ पर होती है, छोटी सी नाव जिस पर एक या दो लोग बैठ करके नाव चलाते हैं, गोल गोल सी होती है कैनो। रेपलिंग यहाँ पहाड़ियों के बीच में रस्सियाँ बांध करके वो एक जगह से दूसरी जगह फिसलते हैं। रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। एंड माउंटेन बाइकिंग और पहाड़ों पर जो है साइकिल चलाते हैं। तो इन सब चीज़ों के करने से कोई भी आराम पसंद आदमी भी जो है वो बहुत एक्साइटेड और एनर्जेटिक हो जाता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी हुई हैं पहाड़ियों पर जो कि ट्रेकर्स के बीच में फेमस हैं, यानी जो माउंटेनियर्स हैं पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग हैं, पहाड़ियों पर चढ़ने वाले जो लोग हैं उनके बीच में ये रास्ते फेमस हैं। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर दो देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर आने के बाद आपको चिड़ियाँ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ दिखेंगी जिनको देखने से आदमी बहुत खुश महसूस करता है। मैकॉक्स एक टाइप के बंदर होते हैं, मालाबार स्क्विरल्स, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस। स्लेंडर लोरिस एक दुबला, स्लेंडर मीन्स होता है दुबला पतला एक जानवर होता है लोरिस। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये सारे जानवर जो है पेड़ों में बैठकर आते जाते हुए लोगों को देखते रहते हैं। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ नरेटर बताता है कि जब जंगली हाथी रास्ते पर आ जाते हैं तो वो एक किनारे हट जाना पसंद करता है। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। यहाँ पर नरेटर बताता है कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर अगर चढ़ जाएं तो वहां से जो है कूर्ग का पूरा सुंदर सुनहरा दृश्य जो है हरा भरा वहां से दिखाई देता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64-acre आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। नरेटर बताता है कि एक रोप ब्रिज जो है उस पर चढ़ करके आदमी जो है वहाँ 64-acre का जो आइलैंड है निसर्ग धाम वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, यानी वहाँ पहुँचने के लिए जो है रस्सियों वाला ब्रिज है जिस पर आदमी जा करके निसर्ग धाम पहुँच सकता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप इज अ बोनस। यहाँ पर बताता है रनिंग इनटू का मतलब होता है अचानक किसी से मिलना। तो अचानक किसी बुद्धिस्ट मॉन्क से यानी बौद्ध साधु से
मिलना जो कि तिब्बत से आए हुए होते हैं, ये बहुत ही मतलब एक बोनस होता है लोगों के लिए, यानी एक खुशी की बात होती है किसी बौद्ध साधु से अचानक मिल जाना इस एरिया में। बाइलाकूप यहाँ एक एरिया का नाम है जहाँ पर बौद्ध साधु मिलते हैं। द मॉन्क्स जो साधु होते हैं इन रेड ऑकरे एंड येलो रोब्स, यानी लाल कलर के या ऑकरे या पीले रंग के जो रोब्स होते हैं, यानी जो कुर्ते होते हैं उनके गले से लेकर पैरों तक के जो कुर्ते होते हैं उनको रोब बोलते हैं, आर अमंग्स्ट द मेनी सरप्राइजेस, यानी यहाँ के आश्चर्यों में से बहुत सारे आश्चर्यों में से एक है, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, यानी उन लोगों के लिए जो भारत की आत्मा और हृदय को खोजते रहते हैं, तो वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है उनको। राइट हेयर इन कूर्ग, यानी कूर्ग में जो है, अगर कोई भारत की आत्मा को देखना चाहता है और उसके हृदय को देख हृदय की विशालता को देखना चाहता है, तो वह जो है यहाँ कूर्ग में आकर के दर्शन पा सकता है। स्टूडेंट, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड पार्ट कूर्ग। आई होप यू वुड गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द लेसन। थैंक यू।